ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وقال تعالى وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اي قد كتب لكل باب منها جزء من اتباع ابليس يدخلونه لا محيد لهم عنه انتهى كلامه رحمه الله تمام تعريف حر قسم كبرياء वो सलाह तबारक तआला के लिए है जिसअल तबारक तआला ने हम सब को अपनी इबादत के लिए दुनिया में पैदा किया और इबादत गुजार लोग अपने बंदों के लिए परहेजगार बंदों के लिए उसने जन्नत बनाई और गुनहगारों के लिए फासको फाजिरों के लिए कुफ़ार व मशरकिन के लिए उसने दो जख़ख बनाई सुबहानल्ला मदशार हूँ सुबहानल्लाबहान अल्लादी सलाम अल्लाह के आखिर नबी इमामबिया महमदुर रसूल सल्लासम की दात ग्रामी पर कि जिन्होंने हम तक अल्लाह का दीन पहुँचाया जिस दिन में जहन्नम से बचने का तरीक़ा है जिस दिन में जन्नत में जाने का रास्ता मौजूद है अल्हस महमद महमद

सिलसिलेवार दर्स पेश है जो एक अहम मौजु पर मुश्तमिल है जैसा कि आप कई हफ्तों से सुनते चले आ रहे हैं जो मौत से जन्नत तक का सफर मौत से जन्नत तक का सफर और हम पहुंचे हैं जहन्नम पर मतलब दर्स में जहन्नम पर अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें अहले जन्नत में से बनाए और जहन्नम से हम सबको महफूज रखें आमीन या अब आर्मी पिछले दर्स में जहन्नम की सिफात जहन्नम का आदाब कितना भयानक होगा किस तरीके से होगा कुछ नसूस की रोशनी में आपकी खिदमत में बातें पेश की गई आज के इस दरस में इन हम दो पॉइंट्स लेकर दो नुकात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं नंबर एक अस्बाब जिसकी वजह से इंसान दो जख्खी आग में जाता है वो क्या अमाल हैं वो क्या इस्बाब हैं जिसकी वजह से इंसान को दो जख् मिलती है नंबर दो, दो जख् के दरवाजे और उसमें दाखिल होने वाले लोग इन दो अहम नुकात पर मुश्तमिल आज का ये दर्स होगा सबसे पहले हम इस्बाब को बयान करें पुरानी आयात में और अल्लाह के नबी वसलम की अहदी से मुबारक में इसबाब यानी क्या काम है या वो कौन से अमाल हैं वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान इंसान को दो जख्खी आग में जाना पड़ता है अच्छा ये हम क्यों पढ़ पढ़ेंगे क्यों बयान करेंगे ताकि हम इन असबाब से अपने आप को बचाएं इन अमाल से इन कामों से अपने आप को दूर रखें क्यों क्योंकि अगर हम वो सबब छोड़ देंगे जिससे जहन्नम मिलती है तो हम जहन्नम से बच जाएंगे वो अमल तर्क कर देंगे वो अमल तर्क कर देंगे जिस अमल की बुनियाद पर दो जख् आग में जाना पड़ता है तो हम दो जख्ते दोजख् से महफूज हो जाएंगे और हर वो इंसान जो अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहता है वो जाहिर बात है ये सुनना चाहेगा कि भाई असबाब क्या है ताकि मैं उन असबाब को तर्क करूं और आमाल क्या है कि उन आमाल को मैं तर्क करूं तो मालूम होना चाहिए असबाब या आमाल जिसकी वजह से दोजख की आग में जाना पड़ता है दो किस्म के हैं पहली पहलीस्म वो इस्बाब वो आमाल जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए दो आग में जाता है और कभी निकलता नहीं है वहां से यह पहली किस्म है दूसरी किस्म वो आमाल वो इस्बाब जिसकी वजह से दो जख्म में तो जाता है सजा पाने के लिए हमेशा के लिए नहीं है तो पहले को उलमा ने कहा असबा मुकफरा दूसरे इसबाब उलमा ने कहाबा मुफ़स्सिका। तो आइए इन दोनों किस्म को हम सुनते हैं पहली किस्म वो इसबाब वो आमाल जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए दो की आग में जाता है उसमें पहली चीज है कुफर अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे ईमान की जिद कुफर अल्लाह का इनकार कुफर का मतलब इनकार कुफर करना अल्लाह के साथ फरिश्तों का फरिश्तों का कुफर यानी इनकार करना किताबों का या रसूलों का या आखिरत का या आसमानी किताबों का कुफर करना अल्लाह के साथ अल्लाह का इनकार करना अल्लाह पर ईमान नहीं लाना फरिश्तों पर ईमान नहीं लाना रसूलों पर ईमान नहीं लाना किताबों पर ईमान नहीं लाना कुफर इनकार करना नहीं मानेंगे नहीं मानना कि अल्लाह है नहीं मानना के रसूल हैं नहीं मानना के फरिश्ते हैं नहीं मानना के क़यामत का दिन है नहीं मानना के रसूल आए हैं नहीं मानना कि तकदीर भी कोई चीज है कुफर करना इसकी वजह से इंसान दो जख्म में जाता है अल्लाह तबारक तआला ने इशात फरमायादीन यकफुरून नबिल्ला व सोरे यकीन जो लोग अल्लाह के साथ कुफर करते हैं और रसूलों का इनकार करते हैं अल्लाह और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करते हैं और कहते हैं हम बात चीजों को तो मानेंगे लेकिन बाद चीजों का इनकार करेंगे और इसके दरमियान रास्ता निकालते हैं अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों के बारे में काफिरून हक्का ये लोग पक्के काफिर हैं

और उनके लिए अल्लाह ने जहन्नम का अजाब तैयार कर रखा है जिसका जहन्नम का एक नाम शहीर है जो हमने इससे पहले बताया था अल्लाह फरमाता है ऐसे काफिरों के लिए जिन पर अल्लाह की लानत बरसेगी और अल्लाह की लानत पड़ती है खालिदी नफीहा अबदा ये दो जख्मे हमेशा के लिए रह, हमेशा के लिए जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए दो जख्मी ये लोग रहेंगे ना कोई इनको दोस्त मिलेगा ना कोई मदद करने वाला मिलेगा और इनके चेहरों को पलटा कर दो जख्म की आग में डाला जाएगा ये लोग अफसोस करते हुए कहेंगे हाय काश कि हमने अल्लाह और उसकी रसूल की बात मानी होती और कहेंगे कि हमने तो अपने बड़ों अपने सरदारों की बात मानी और उन लोगों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया ए हमारे परवरदिगार ये लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया और धोजक की आग में लाकर पहुंचा दिया इनको डबल डबल अजाब दे अल्लाह और बहुत बड़ी अपनी लानत इन पर बरसा मालूम हुआ इस आयत करीमा से दो बातें मालूम हुई नंबर एक काफिरों के लिए हमेशा की जहन्नम है और अल्लाह की लानत है और वहां जाने के बाद ये लोग जो है जिनकी वजह से दो में गए यानी अपने बड़े अपने सरदार अपने पेशवा जिन्होंने इनको गुमराह कर दिया उन पर लानतें बरसाएंगे और उनके लिए बदवाए देंगे तो मालूम हुआ कि कुफ्र एक ऐसा सबब है ऐसा अमल है जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए इंसान दो की आग में जाता है अल्लाह का शुक्र अदा करें मैं आप कि अल्लाह ने हमें कुफर से बचा के रखा है हम मोमिन हैं, लेकिन एक बात याद रखें वो बात ये, ईमान की हालत में जिंदगी तो गुजर रही है ईमान की हालत में मौत भी होना जरूरी है आदमी मोमिन रहे ईमान की हालत में रहे लेकिन मरने से पहले काफिर हो जाए कुफर इख्तियार कर ले तो वो भी दो में हमेशा के लिए जाएगा इसीलिए अल्लाह से दुआ करें खात्मा खैर पर हो ईमान पर खात्मा हो और ये बात मत भूलें कि फितनों के दौर में ऐसे ऐसे फितने आते हैं कि सुबह का मोमिन शाम का काफिर हो जाता है नबी सलाम ने हदीसों में इसकी खबर दी है सुबह उठाता ईमान की हालत में शाम हुई रात हुई काफिर हो गया लिहाजा अल्लाह से हमेशा दुआ करें ईमान पर साबित कदमी जो बहुत जरूरी है इसी से जन्नत मिलेगी ईमान चला गया तो फिर इंसान के लिए आग हमेशा के लिए इंतजार कर रही है नंबर दो अल्लाह के साथ शिरक करना अल्लाह अकबर अल्लाह की रुबूबियत में अल्लाह की उलूहियत में या अल्लाह के असमा सिफात में शिरक करना मिसाल के तौर पर यह अकीदा रखना कि अल्लाह के अलावा और एक भी कोई खालिक है शिरक हो गया यह अकीदा रखना कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ किसी और की भी इबादत की जा सकती है या इबादत के जो अकसाम है अनुआ है टाइप्स ऑफ वर्शिप है उनमें से किसी किस्म की इबादत को गैरुल्लाह के लिए करना अल्लाह के सिफात को गैरुल्ला में तलाश करना या अल्लाह के नामों को गैर उल्लाह में तलाश करना ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो शिरक में दाखिल हैं और अल्लाह तबारक वाली ने बयान और ये शिरके अकबर है क्योंकि तो शिरके असगर भी होता है हम बात कर रहे हैं शिरके अकबर की और कुफर जो हमने कहा वो भी कुफर अकबर काफिर वाला अमल है जो कुफर असगर होता है शिरक मतलब शिर के अकबर जिसकी वजह से इंसान अगर मर जाए जा जा इस शिर के अकबर पर हमेशा के लिए दो जख्म जाएगा दलील सूर्य की आय जो मैंने पढ़ी अल्लाह तला ने फरमाया फिलहार wa यकीन जो अल्लाह के साथ शिर करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी उसका ठिकाना दो जख् की आग है और ये वालमीन है ऐसे ालिमों के लिए कोई मदद करने वाला नहीं होगा मालूम हुआ इस आयत करीमा से कि अगर इंसान शिरक करे तो उसकी वजह से जन्नत हराम क्या मतलब जन्नत हराम जन्नत में नहीं जाएगा हन्ना उसका ठिकाना दो जख् मतलब जहन्नम में जाएगा और कोई मदद करने वाला नहीं होगा ालिमों की मतलब ये मुशरकिन ये शिरक करने वाले ये वालिम है और औरम की कोई मदद त्यामत के दिन कोई नहीं कर पाएगा जब मदद नहीं होगी यानी उनको कोई जहनम से बचाया बचाएगा नहीं जहनम से नहीं निकालेगा और यहाँ वाज हो ये बात कि ये जो शिरक बात हो रही है जिसकी वजह से हमेशा की दोजख मिलती है ये वो इंसान जो शिरक अकबर करे जिंदगी में तोबा ना करे मर जाए उस पर क्यों क्योंकि अगर शिरके अकबर से भी इंसान ने तोबा कर ली सच्चे दिल से और तोहेद पर आ जाए तो अल्लाह ताला ने अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा यहां मतलब हमेशा की दोजक की बात हो रही ना को जो वो आमाल जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए जाएगा तो शिर के अकबर पर मौत हो जाए आपको पता है कितने मुसलमान आज शिर के अकबर में मुलवस हैं और वो चाहते हैं कि उनको जन्नत मिले शिर के साथ जन्नत की उम्मीद छोड़ दी जाए जहां शिरक है वहां जन्नत जन्न, जानम जन्नत नहीं है उसका ठिकाना दो है। इसीलिए अकीदों को सही करना चाहिए तोहेद पर अमल करना चाहिए शिरक से अपने आप को बचाना चाहिए अल्लाह की इबादत में शिरक बहुत है मुसलमान ये मत समझना कि मुसलमान का मतलब यह है कि मुसलमान जो है शिरक नहीं करता है नहीं शिर करता है कितने ईमान वाले जो खलमा गो हैं हमारे भाई बहन हैं अल्लाह हिदायत दे जिहालत की वजह से गलत रास्तों की वजह से गुमराहियों की वजह से वो शिरक में मुबतला है शिर अकबर में मुलवि है मिसाल के तौर पर कबर पर सजदा करना क्या है ये मिसाल शिरक अकबर है क्योंकि सजदा इबादत है अल्लाह का हक है आपने अल्लाह के अल्लाह को सजदा किया और अल्लाह के अलावा गैरुल्ला को सजदा किया तो यह शिर अकबर है अगर तावीज लटकाने वाला तावीज लटकाना शिर असगर है छोटा शिर अगर कोई तावीज इस घर से लटकाए समझे कि इसकी वजह से मुझे शिफा होगी शिफा अल्लाह नहीं देगा ये तावीज से शिफा होगी गया उसका अकीदा अकबर हो गया ऐसे तो बहुत सारे कबर का तवाफ करना क्या है ये नजरों न कबर पर चढ़ावे चढ़ाना दुआएं करना खैरुल्लाह से यह सब शिर के अकबर है जिसके अपनी जगह बहुत सारी मिसालें हैं अल्लाह से बच अल्लाह से दुआ करें अल्ला से तो कि अल्लाह शिर से महफूद रखें क्योंकि शिर के अकबर दो जख्मी ले जाके फेंक देगा हमेशा की नंबर तीन इस्लाम के जो अरकान हैं या फराद हैं उनमें से किसी का इनकार करना फरायद इस्लाम में से अरकान इस्लाम में से जैसे अरकान इस्लाम खमसा है ना उसमें से किसी का इनकार करना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद का इनकार जहन्नम में ले जाएगा नमाज का इनकार जहन्नम में ले जाएगा हमेशा के लिए रमजान के रोजों का इनकार जोज क्या मिलेगा जक़ात का इनकार या हज का इनकार है ना पांच इस्लाम के अरकान इनमें से किसी एक का इनकार मैं कह रहा हूं इनकार नमा रोजा नहीं रखना रोजे का इनकार करना दोनों में फर्क है हम कह रहे हैं कि रोजे का इनकार कोई यह कहे कि मैं नहीं मानता कि मैं सब मानूंगा लेकिन रमजान के रोजे हैं मैं नहीं मानता कि रमजान के रोजे वो इनकार कर रहा है उसका जकत नहीं देना जक़ात का इनकार करना दोनों में फर्क है हम कह रहे हैं कि जकत का इनकार ये भी ऐसा कुफर है ऐसी चीज है ऐसा सबब है ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान को दुजक की आग मिलती है इस पर जो है मा का नंबर चार अल्लाह का सुनिए अल्लाह का या उसके दीन का या उसके रसूल तो का मजाक उड़ाना यह भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए दो जख्म में जाएगा अल्लाह ताला ने फरमायाबा क्या है <आग़>। व वा ला और अगर आप उनसे पूछें इन मजाक उड़ाने वालों से तो वो लोग कहेंगे नहीं हम तो खेल कूद में पड़े हुए थे हम तो ऐसे ठट्टा मार रहे थे मजाक कर रहे थे मजाक में हमने कह दिया साहबा के बारे में रोसम के बारे में कि इनसे बड़े पेटू कोई नहीं है खाने वाले इन से ज्यादा बुजदिल कोई नहीं है दुश्मन ऐसी मजा, मजा, मजाकन कहा हमने हम सीरियस नहीं कहे नहीं थे हम हमने मजाही जैसे रोग बैठते हैं गपशप होती है आ? रात में बैठते हैं साथी गपशप होती है हमने ऐसे कह दिया ये कहेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है आप इनको क्या बता दीजिए क्या अल्लाह और उसकी आयतें और उसके रसूल ही रह गए हैं तुम्हारे मजाक के लिए तुम अल्लाह का मजाक उड़ाते हो रसूल का मजाक उड़ाते हो तुम अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते हो अब कोई बहाना ना करना ईमान के बाद तुम काफिर हो चुके हो पहले ईमान लाए थे अब इस मजाक की वजह से इस इस्तेहजा की वजह से तुमने कुफ्र कर दिया मालूम हुआ कि मजाक उड़ाना अल्लाह का या रसूल वसम का या दीन इस्लाम का ये कुफर है इसकी वजह से इंसान दो में जाएगा हमेशा कितने लोग दाड़ियों का मजाक उड़ाते हैं पर्दे का मजाक उड़ाते हैं एक औरत पर्दा नहीं करती है गुनगार है एक औरत पर्दे का मजाक उड़ाती है वो दायरे इस्लाम से बाहर इकराम वो चीजें जिनको नवाकद इस्लाम कहा जाता है जिस पर किताबें मौजूद हैं अरबी में उर्दू में और दुरुस वगैरह भी हुए हैं नवाकद इस्लाम ऐसी चीजें जो इस्लाम खत्म कर देती हैं आपका आपका दिन चला जाएगा दिन बाकी नहीं रहेगा आपका उनमें से एक चीज क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीजें लेकर आए हैं जो शरीय मोहम्मदिया है जिसमें दाढ़ी है नमाज है टखनों से ऊपर कपड़े हैं पर्दा है फलां है, फलां है, बहुत सारी चीजें हैं ना हमारे दिन में उनमें से किसी का मजाक उड़ाना मजाक उड़ाना यह ऐसी चीज है जिससे इंसान का इस्लाम खतरे में आ जाता है लिहाजा अपने आप को इससे बचाने की कोशिश करें। नंबर पांच वो अमल वो सबब नंबर पांचवा अमल पांचवा सबब जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए दो की आग में जाएगा वो है अल्लाह या रसूल या दीन को गाली देना अल्लाह की पना इसकी वजह से भी इंसान हमेशा के लिए की आग में जाएगा गाली देना लान तान करना हा? ये इस किस्म के कोई भी अल्फाज के ना इस पर भीजमा है इसमें कोई शक नहीं है कि एक मरतबा अगर किसी ने पागल है कोई अलम लेकिन आदमी जान बुझ कर होशहवास में है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ये भी याद रखिए होशहवास में है एक होती है जबरदस्ती ठीक है जबरदस्ती से अगर ये कहलवाया जाए तफसील नहीं है वक्त हमारे पास लेकिन अगर जैसे गन पॉइंट पे आप कहें जबरदस्ती से किसी को कहा जा रहा है भाई बुरा भला बोलो दीन को इस्लाम को इस्लाम गंदा है बोलो वरना मार देंगे गोली अब वो अपनी जान बचाने के लिए लेकिन उसके दिल में यह है कि दीन सही है अच्छा है अपनी सिर्फ जान बचाने के लिए करता है तब वो काफिर नहीं होगा इसकी दलील अपनी जगह मौजूद है हत्या कुफुर बके भी अगर तो सहाबा में से एक सहाबी को काफिरों ने पकड़ा था एक छोटा सा वाक दलील के तौर पर पेश करके बात को आगे बढ़ाता हूं पकड़ लिया उनको कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे मार देंगे अगर तुम चाहते हो कि जान तुम्हारी छोड़ दी जाए तो रसोसलम को बुरा भला कहो वरना नहीं छोड़ेंगे तुम्हें परेशान हो गए उनको समझ में नहीं आया कहा बस यही एक चारा है अगर तुमने रसोत्सव की शान में कोई बुरा भला नहीं कहा तो हम तुम्हें मार देंगे अब वो परेशान हो गए उन्होंने कह दिया छोड़ दिया इन लोगों ने फखल्लू सबीला अब वो दौड़ते हुए परेशान हाल नबी इसलम के पास आते हैं कसम खा खा कर कहते हैं मुझे आपसे बेपना मोहब्बत है मेरे साथ ऐसा ऐसा सकता पेश आ गया तो अल्लाह के नस्लम फरमाया कोई बात नहीं आपने उनके ईमान को साबित किया ये एक दलील है और भी बहुत सारी दलील है चलिए इसके बाद नंबर छह जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए की आग में जाता है वो है अल्लाह ने जो हुक्म अल्लाह ने जो शरीयत उतारी है अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल किए हैं ऑर्डर्स शरीयत दीन उसको छोड़कर किसी और दुनिया के बनाए हुए कानून से फैसला करना ये समझकर फैसला करना कि ये उससे ज्यादा अच्छा है ये इसमें उससे ज्यादा फायदा है और ये हक के करीब है उससे ज्यादा एक होती है मजबूरी वो नहीं कह रहे हम यहां पर एक है अल्लाह का कानून एक है लोगों के बनाए हुए कानून हम लोगों के बनाए हुए कानून को सामने रखकर फैसला करें इस अकीदे के साथ मेरे अल्फाज पर गौर करना रिकॉर्डिंग हो रही है यह समझ कर अल्लाह के कानून से अल्लाह के कानून से।, अल्ला से ये अफजल है या ये 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 हक है, ज़्यादा अच्छा है उससे ऐसा एहतिकाद रखे कोई फिर फैसला करे तो वो भी हमेशा के लिए दो आग में जाएगा इसमें कोई शक नहीं है नंबर सात और आखिरी निफाक मुनाफिक जिसको कि... इसकी वजह से भी इंसान हमेशा के लिए दो की आग में जाएगा और निफाक चाहे कौली हो या फैली हो निफाक क्या है जाहिर जा... इस्लाम इस... इस... करना और दिल में कुफर को छुपाना जो सुर बकर तो मुनाफिन मदीना के मुतालिक अल्लाह तक खबर दी है ये सात चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से इंसान हमेशा हमेशा के लिए दो जख्खी आग में जाता है कभी निकलता नहीं है दूसरी कस्म दो जख्म में जाने वालों की या वो इस्बाब वो आमाल जिसकी वजह से इंसान हमेशा के लिए तो नहीं जाएगा लेकिन सजा पाने के लिए दो जख्ख् की आग में जाएगा कब जब अल्लाह चाहेगा कि उसको सजा दे फिर से दोहरा रहा हूं याद रखें दूसरी किस्म इसबाब की आमाल की जिसकी वजह से इंसान को दो जख् की आग में जाना पड़ता है अपनी सजाओं को पाने के लिए कब जब अल्लाह उसके मुतालिक फैसला कर दे कि इसको सजा देनी है वो क्या क्या हैं सुनते जाइए से नंबर एक माँ बाप की नाफरमानी माँ बाप की नाफर अच्छा उससे पहले ये जो हमने सात इसबाब बयान किए जिससे हमेशा दो जख्म इंसान जाएगा अगर मौत हो जाए मरने से पहले वो अपने निफाक से गाली दी थी उसने उससे माफी मांग ले तोबा कर ले अल्लाह की तरफ आ जाए दीन की तरफ आ जाए तब तो माफ लेकिन मौत हो जाए साथ में से कोई एक काम करे माफी ना मांगे गया कहां दो तो जख्म है हमेशा के लिए आइए दूसरी कस्म मालूम करते हैं जो इंसान को सजा के तौर पर भेजा जाएगा अगर अल्लाह ने उसके लिए चाहा कि सजा मिले उनमें नंबर एक है माँ बाप की नाफरमानी अल्लाह अकबर या माँ बाप से रिश्ता खत्म करना नाफरमानी कॉल या फेल से जबान से नाफरमानी करना या फेल से प्रैक्टिकल नाफरमानी नाफरमानी समझते हैं या नहीं क्या मतलब नाफरमानी नाफरमानी क्या बोलेंगे खान साहब उसको इंग्लिश में डिस ब... क्या डिस कि आप बात नहीं मान रहे हैं उनकी आपको मां बाप ने हुक्म दिया है बेटा बेटी ये काम करो अच्छा जो मां बाप ने ऑर्डर दिया है अगर वो शरीयत के खिलाफ है तब तो वहां ओबे नहीं होगा ताबेदारी या फरमावरदारी नहीं होगी जैसे अब्बा कहे बेटा जरा दुकान को दुकान को जाके सिगरेट लेके आओ आप बाप ने ऑर्डर दिया है क्या बे, बेटा मानेगा माँ कहती है जाओ बेटे जरा वो नई मूवी कौन सी आई है लगा दो जल्दी रमजान आ रहा आप शाबान खत्म हो रहा जल्दी जल्दी फिल्म देखेंगे वो कौन सी जो नई आई है कौन सी खान की उसकी जिस जिसकी भी है ठीक है खान दो किस्म के हैं दुनिया अच्छे खान और बुरे खान ठीक है तो अगर माँ या बाप गुनाह का ऑर्डर दे तब तो बात नहीं माननी लेकिन अगर गुनाह नहीं है बेटे पानी लाओ बेटे बाहर नहीं जाना इस वक्त हाँ अब क्या है? उस बच्चे के साथ नहीं रहना उस सहेली के साथ नहीं रहना यह काम मत करो ये काम मत करो जरूरी है अगर नाफरमानी होगी तो दो की आग मिलेगी अल्लाह मुझे और आपको इससे महफूज रखे इस सिलसिले में नुसूस मौजूद है आयतें थे से मौजूद है वक्त की किल्लत की वजह से हम शॉर्ट कर रहे हैं बात को नंबर दो रिश्तों को काटना रहमी समझते हैं आप रिश्ते कट कर देना क्या मतलब कट करना कते ताल्लुक रिश्तेदारी दो किस्म की होती है एक अब्बा की तरफ से तदियाल एक अम्मा की तरफ से ननियाल एक और एक भी ससुराली रिश्ता होता है ठीक है कते ताल्लुक यानी खलास बातचीत नहीं मुलाकात नहीं कते रहमी इसकी वजह से भी इंसान को की आग मिलती है और इसके बारे में कहते हैं इसमें जो है उनके हकूक को अदा नहीं करना चाहे बदनी हो या माली हो हकूक दो किस्म के होते एक बदनी एक माली रिश्तेदारों के बदनी यानी आपका प्रेजेंस हो जाएं आप मिलें देखें उनको उनसे मुलाकात करें उनकी खैरियत लें एक माली हकूक होते हैं ना जैसे वालिद को वालिद का खर्च है बीवी का खर्च है रिश्ता है ना वो बच्चों का खर्च है ये तो हकूक मालिया है तो आप उनका खर्च उठाएं तो अगर इसको खत्म कर दिया आपने कहा मैं अम्मी को कुछ नहीं दूंगा अब्बा पर कोई कोई पैसा खर्च नहीं करूंगा मैं मेरी बीवी को कोई खर्च नहीं दूंगा मेरे फला बेटे को फला बेटी को नहीं दूंगा तो आपने खतें ताल्लुक कर दिया तो इसकी वजह से भी दो आग मिलती है अगर अल्लाह ने चाहा तो सजा मिलेगी इसमें कोई शक नहीं नंबर तीन सूद खाना इसकी वजह से भी सूदी कारोबार सूदी लेन देन मार्केट में मशहूर है सूदी कारोबार लोगों को सूद पता भी नहीं है खा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं है कि सूद खा रहे हैं लेन देन है लेकिन पता नहीं कारोबार है।, है लेकिन पता नहीं कि सूद है क्यों कभी सोचा नहीं कि पता करें अल्लाह का डर कभी दिल में नहीं आया कि मालूम करें कि हमारे पेट में जो जा रहा है निवाला हमारे घर में जो अनाज आ रहा है वो सूद से आ रहा है या हलाल रास्ते से आ रहा है पता नहीं किया अल्लाह तला कुरान की आयतें मौजूद है जिससे मालूम होता है कि इसकी वजह से भी इंसान को दो सखिया मिलती है नंबर पांच शहादत झूठी तो गवाही देना झूठी गवाही की वजह से आपको मालूम है कि हक इसके खिलाफ है बात इसके खिलाफ है लेकिन आप दोस्ती में रिश्तेदारी में आकर या आ, कोई दुनियावी गर्ज के लिए छूटी गवाही देते हैं जिसको शहादत कहा गया अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो अगर आप बात करो तो फिर इंसाफ के साथ बात करना अगर चेका रिश्तेदार क्यों ना हो झूठी गवाहियां बहुत होती है कोर्ट में एक झूठी गवाही जज के पास जाके कादी साहब के पास झूठी गवाही मजलिस में झूठी गवाहियां तो झूठी गवाहियों की वजह से भी इंसान को दो की आग मिलती है और वहां वो सजा पाएगा नंबर छह रिश्वत बिन की हदीत है सबकी है, सबकी दलीलें मौजूद है तबरानी की रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला की आग मतलब जहनम में जाएंगे तो रिश्वत हराम है उसकी वजह से भी इंसान को दुसख्ख की आग मिलती है बड़े गुनाहों में से है और अल्लाह तला उसको सजा देगा लिहाजा अपने आप को रिश्वतों से महफूज रखे बाजुल ने इसमें जो है जवाब रखा है खास कंडीशन में अब काफिरों के मुल्क में हैं, वो लोग जबरदस्ती आपके हकूक से आपको महरूम करते हैं आप काफिरों के मुल्क में हैं, वो जबरदस्ती आपके हकूक को आपसे आप महरूम करते हैं किसी और को अपनों को हक देते हैं और बगैर पैसे खिलाए हुए आपको आपका हक वहाँ उस काफिरों के मुल्क में वहाँ के डिपार्टमेंट्स में नहीं मिल सकता है तो हालात को सामने रखकर फतवे दिए हैं कि वाकई अगर मजबूरी है तब तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप यह काम कर सकते हैं मगर वरना असल यह है कि यह चीज जायज नहीं है इसमें कोई शक नहीं है नंबर सात जिसकी वजह से इंसान को दो की आग मिलती है और जहन्नम में सजा मिल सकती है और वो है झूठी कसम खाना पता है आपको कसमें होती हैं क्यों किसी का हक मारने के लिए नौज बिल्ला मंदालिक और झूठी कसम खाना यह भी एक ऐसा गुनाह है ऐसा सबब है जिसकी वजह से इंसान को दोजख की आग मिलेगी और वहां वो जहन्नम में सजा काटेगा नंबर आठ इल्म।, इल्म के लोगों के दरमियान फैसले करना हाँ क्या मतलब इसका इल्म नहीं है आप लोगों के दरमियान जो है फैसला कर रहे हैं अब इसमें भाई लोग आ गए जिनको भाई बोलते हैं मुंबई वगैरह की जबान में गुंडे आ गए ठीक है बड़े वो तमाम लोग आ गए जिनके पास नॉलेज तो नहीं है इल्म नहीं है लेकिन फतवा फतवा देते हैं या कहें आप फैसले करते हैं बगैर इल्म के भाई फैसला एक अख्तलाफ हो जाए मियाँ बीवी का अख्तलाफ हो तलाक़ का मसला हो खुला का मसला हो जायदाद का मसला हो रिश्तों के मसले हो किस हकूक के मामला हों यहाँ शरीयत है भाई दीन है हमारे पास कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला करना है कुरान हदीस की रोशनी में फैसला कौन करेंगे ओलामा जिनको पता है कि ये शरीयत का हुक्म है भाई तलाक हुई नहीं हुई है। हाँ। खुला ले सकती है नहीं खुला हुआ या नहीं हुआ है या विरासत में जो है ये माल के वारिस बनेंगे या नहीं बनेंगे ये शरीयत से रिलेटेड है सारी चीजें अब शरीयत जानने वाले ओलमा हैं तो ओलमा जो अंबिया के वारिस हैं वो लोग फैसला करेंगे या जाहिल जिसको कुरान की आयत पढ़ना सही नहीं आता हदीस नहीं मालूम उसको तजवीद नहीं पता ला इला का माना नहीं मालूम है उसको इसलिए ईमान के अरकान पूछो तो जवाब सही ना दे वो आएगा मसले हल करने के लिए लोगों के और अफसोस सद अफसोस ऐसे लोग फील्ड में मौजूद हैं मैदान में हैं और अफसोस उन लोगों पर भी जो अपने मामलात लेकर अपने मामलात लेकर ऐसे जाहलों के पास जाते हैं जिनको दीन नहीं पता दीन का दाल नहीं पता इस्लाम का अलिफ नहीं पता शरीयत की शिन नहीं मालूम उनको ऐसे लोगों के पास जाते हैं ताकि वो लोग जो है मामला करें फैला हाँ, अब वो अपने हिसाब से देखता है हाँ आप बोलो हाँ आप बोलो बेटी हाँ आप बोलो हो गई मैं तलाक हो गई जाओ चलो खत्म अरे इसको तलाक मालूम हुई नहीं कैसे कैसे बोल दिया तो बगैर इल्म के फतवा बहुत खतरनाक चीज़ है अल्लाह मुझे और आपको इससे महफूज रखे ये भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान को की दोजखिया मिल सकती है वहां वो सजा काटेगा उसकी नंबर नौश खियानत करना और अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करना खयानत मतलब खयानत की कई किस्में हैं एक आपके पास अमानत है आपने उसमें खयानत कर दी आपको आपके पास रखी गई थी कोई चीज आप खा गए वो भाई ये खाइए मत हम आके बाद में ले लेंगे आप खा लिए पैसे रखे थे हम उम्र को जा रहे हैं वापस आने के बाद आपसे पैसा ले, ले लेंगे आप पैसा खा गए ये एक खयानत होती है एक खयानत ये होती है कि आप जिसके जिम्मेदार हैं जैसे बीवी बच्चे हैं उनको नसीहत नहीं करें उनको जहन्नम से न डराएं, उनको सही और गलत की पहचान ना कराएं और ऐसे ही उनको दुनिया देकर दुनिया कमा दुनिया की दौलत देकर चले जाएं, तो यह भी खयानत है यह भी खयानत है बुखारी मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के फरमाते हैं मा इंसान बंदा जिसको अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बनाया है और उसके अंडर में लोग रहते हैं चाहे बीवी हो बच्चे हो लोग हो कंपनी के लोग हो काम करे कोई भी हो अल्लाह ताला ने उसको जिम्मेदार बनाया उसके मातहत लोग हैं मरता है जिस दिन वो मरता है अगर उस दिन वो जो जिस दिन वो मरा यानी जब मौत हुई उसकी उस उसने अपने अपने मातहत लोगों के साथ खयानत की हक अदा नहीं किया नसीहत नहीं की उनको तो अल्लाह अहतबार को अल्लाह के रबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देगा मतलब जन्नत नहीं जाएगा वो वह की आग में जाएगा इसके बाद दसवीं चीज जिसकी वजह से इंसान को दोजख् की आग में जाना पड़ सकता है वो है तस्वीर बनाना इंसान की या हैवान की अब्दुल अब अब्बास की हदीत है जिसमें अल्लाह के वसल्लम ने कहा मैंने को फरमाते है, सुना है हर तस्वीर बनाने वाला दो जख् की आग में होगा और उससे कहा जाएगा जिसकी तस्वीर तुमने बनाई है अब उसमें रू भी फूंको इस सदी को इमाम मुस्लिम रहमला ने रिवायत किया यहाँ एक बात बता दूं अब आप बोलेंगे भाई ये तस्वीर है तो फिर हरम की तस्वीर कैसे आती है नमाजियों की तस्वीर आती है के प्रोग्राम्स आते हैं यूट्यूब वगैरह पर सब जहां जरूरत हो पासपोर्ट है खामा है फला है इलमी फायदा हो या तो जरूरत हो या इलमी फायदा होता है दीन से रिलेटेड अगर चीज है तो इसी सूरत में उसकी गुंजाइश है के फतवे मौजूद है एक दो ने बहुत है बहुत है ठीक है जिसको चाहिए उसको मिल जाएंगे फतवे, लेकिन बगैर हाजत के बगैर जरूरत के क्यों आपने तस्वीर में कोई जरूरत नहीं थी तो इसकी वजह से भी दो आग बन सकती है बिला हाजत बिला जरूरत क्योंकि अब जरूरत तो बेफल कायदा है जरूरत मना करदा चीजों को हलाल करती है चलिए इसी तरीके से बारहवीं और आखिरी चीज जिसकी वजह से इंसान को दोजख् की आग में जाना पड़ सकता है अगर अल्लाह ने चाहा उसको सजा देना वो है सोने चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना घर में खाने पीने की चीज़ों के लिए इस सिलसिले में भी दलील मर्द हो या औरत हो कोई भी हो मुस्लिम शरीफ की हदीस से अल्लाह के मुस्लिम बयान फरमाया जो जो है चांदी के बर्तन में खाएगा वो जो है जहन्नम में उसकी वजह से जलाया जाएगा तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बारह मैंने नोट किए हैं सबकी दलीलें मौजूद है जिसकी वजह से अगर अल्लाह ने उसके बारे में फैसला कर दिया कि इसकी सजा इसको देनी है तो इनकी इन गुनाहों की वजह से दो जख्ख्म में जा सकता है यहाँ एक और एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है कब्र के दर्ज खत्म और हमारे पास वो सात दरवाजों का भी जिक्र है तो आ, है टाइम अलहमदल क्या है मसला इसके अलावा भी हम हदीसें जब पढ़ते हैं बात छोटे छोटे आमाल उसकी वजह से भी सजा मिलती है इंसान को दो जख्म छोटे छोटे आमाल जैसे किसी ने किसी के बारे में कोई ऐसी बात कह दी जो अल्लाह को पसंद नहीं आई एक बात की वजह से भी वो दो जखी आग में जा सकता है जैसा कि अबूर की एक सही रिवायत है उस वगैरह में और भी किताबों में हदीस सही है किताब तोहिद में भी शेख उमिया शेखुस्लम महमद बब्बू रहत सदीस को नकल किया एक आबद था बनु इसराइल में बनु इसराइल का वाक्य न बयान फ्रमाया दो लोग थे दो दो साथी थे एक पाबंद था आबिद इबादत गुजार एक गुनेगार था इबादत गुजार ने गुनहगार के बारे में कहा अल्लाह तुझको माफ नहीं करेगा जुमला उसने कह दिया सेंटेंस अल्लाह अल्लाह तुझको नहीं बख्शेगा को यह बात सख्त पसंद आई और अल्लाह ने कहा कि तू कौन होता है मेरे बारे में फैसला करने वाला मैंने उसको माफ कर दिया तेरी इबादतों को जय कर दिया अबूर ने हदीस करावी है मुख्तसर बता रहा हूं हदीस को अबूरे को फरमाते हैं इस आदमी ने आबिद ने इबादत गुजार ने अपने मुंह से एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई दुनिया की इबादतें बर्बाद हो गई और आखिरत बर्बाद कैसे कि वो जहनम में जाएगा और हदीसों में आपने सुना होगा याद दिलाओ हो में नबी नबीलाम फरमाते हैं आदमी बाज दफा आदमी बाज दफा इंसान आदमी हो या औरत अल्लाह को नाराज करने वाली ऐसी बात कह देता है ला बाला। उसकी कोई परवाह नहीं करता है उस बात की वजह से जहन्नम में जहनम के गढ़े में फेंका जाएगा डाला जाएगा देखिए एक बात उसने परवाह नहीं की कि उसने क्या बात की अल्लाह को नाराज करने वाली बात थी और उसी अदीज में यह भी है कि एक इंसान अल्लाह को राजी करने वाले ऐसी बात कर देता है जिसकी उसको परवाह नहीं होती है कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी इतनी अच्छी बात कह दी उसकी वजह से अल्लाह उसको जन्नत में डाल देता है कंट्रोल अपनी जबान पर हम जो बोलते हैं हम जो कहते हैं अल्लाह राजी हो रहा है अल्लाह नाराज हो रहा है इसका ख्याल करना बहुत जरूरी है और इसके लिए भी इल्म चाहिए हर चीज के लिए क्यों आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी बातें ऐसी हैं कौन है, से अल्फाज ऐसे हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है कौन है, से अल्फाज ऐसे जिससे अल्लाह नाराज राजी होता है आइए इसके बाद लिहाजा हमेशा चौकन्ना रहे मोबिन क्या बोल रहा है क्या कर रहा है गुनाहों से अपने आप को बचाए गुना हो जाए तो तौबा कर ले तोबा नहीं करेगा मौत आ जाएगी तो उस गुनाह की वजह से सजा मिल सकती है लिहाजा इंसान बी केयरफुल केयरफुल रहे और अपने आप को दोज़क से बचाने की कोशिश करें जहां तक दोज़क के दरवाजों का ताल्लुक है तो कुरान की हदीस, कुरान और हदीस से यह बात साबित है कि जहन्नम के दरवाजे हैं और तदाद जहां तक उसकी है तो कोई शक नहीं है कि हज़र की आयत मौजूद है आयत में बाकायदा लफ्ज आया है सब आ सात तो टोटल सेवन दरवाजे हैं किसके दोजह की आग के देखिए वो आयत अल्लाह ताला फरमाता है वह इन न जहन्नमा

जहन्नम के सात दरवाजे हैं हर दरवाजे पर कुछ लोग दाखिल एक कुछ लोग दाखिल होंगे हर दरवाजे जुजो मकसूम के एक पार्ट होगा एक हिस्सा होगा जुज यानी हिस्सा मकसूम हिस्सा है वो लोग उस दरवाजे से जहन्नम में दाखिल होंगे इस आयत की तफसीर में अलामा हाफि कसीर कसी अलैह फरमाते हैं इसका मतलब क्या है इस आयत का सात दरवाजे और हर एक के लिए हिस्सा मुकर है हर दरवाजे का मतलब हर दरवाजे पर नाम लिखे हुए होंगे उनकी जो इबलीस के फॉलोअर्स होंगे जो इबलीस के फॉलोअर्स होंगे उन इबलीस के पीछे चलने वाले होंगे उनके नाम हर दरवाजे पर लिखे जाएंगे साथ में से उन दरवाजों से जिस दरवाजे पर उसका नाम होगा वो जहन्नम में दाखिल होगा अल्लाह मुझको और आपको महफूज रखे और कोई चारा नहीं होगा बचने का और आगे कहते हैं और इबन कसी रहमत क्या कहते हैं और हर एक को उसके आमाल के हिसाब से दरवाजों से दाखिल किया जाएगा फिर हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह का कॉल पेश करते हैं हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ने खुतबा देते हुए कहा था एक मरतबा केहन्नमा अतबा का उन्होंने इशारा करते हुए हजरत अली रद्ल ने फरमाया कि जहन्नम के दरवाजे ऐसे हैं तह बह जिसको उर्दू में बोलते ना क्या तहत एक के नीचे एक एक, एक एक के एक, नीचे एक ऐसे हैं ये हजरत अली बयान फरमाया और कहते हैं बाद एक 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 के के ऊपर ऊपर या नीचे नीचे बोले ऐसे में जो है तहबत जो है जहन्नम के दरवाजे हैं इसी तरीके से एक और एक कॉल उन्हीं के मुतालिक आया है कि हजरत अली रदौत ने फरमाया जहन्नम के सात दरवाजे हैं एक के ऊपर एक एक दरवाजे से लोग दाखिल हो जाएंगे भर जाएगा वो उसके बाद फिर दूसरा खोला जाएगा फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा इस तरीके से सात दरवाजे होंगे सातों दरवाजे से जहन्नमियों को जहन्नम की आग में दाखिल किया जाएगा और दाखिल होने वाले जो हमने बता दिया टू टाइप्स के होंगे एक हमेशा के लिए एक अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए जो अल्लाह ने उनके लिए लिखा है जहां तक काफिरों का मुता काफिरों का ताल्लुक है तो काफिरों के लिए जहन्नम के सातों दरवाजे खोले जाएंगे ताकि सातों दरवाजों में से वो लोग दाखिल हो जाए और इसकी दलील कुरान की आयत है जो

जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे दरवाजों का लफ्ज नहीं दरवाजा नहीं सातों दरवाजे जहन्नम के खोल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा वहां का दारोगे, जहन्नम के दारोगे उनसे कहेंगे क्या अल्लाह के पैगंबर नहीं आए थे तुम्हारे पास जिन्होंने अल्लाह की आयतें पढ़कर तुमको तिलावत की समझाया और इस दिन से डराया तो वो लो लोग कहेंगे हाँ क्यों नहीं एतराफ़ करेंगे कहेंगे हाँ आए थी हमारे पास हमारे पास हुज्जत हम पर हुज्जत पूरी हो गया आगे लेकिन का, काफिरों पर जो अल्लाह का अजाब या अजाब का अजाब की बात साबित हो चुकी होगी तो इससे कि उन लोगों को जहन्नम के सातों दरवाजों से दाखिल किया जाएगा और एक भी आयत है जुमर ही की जिसमें अल्लाह तरम की इसके बाद वाली आयत है अल्लाह फरमाता है उद खुल जहन्नमा खालीनसा मुतकबरीन जहन्नम के दरवाजों से तुम हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के दरवाजों से दाखिल हो जाओ बहुत बुरा तक मुतकबर तकबर करने वालों का ये काफिरों का बहुत बुरा ठिकाना है तो इससे मालूम हुआ कि जहन्नम के, के दरवाजों से काफिरों को सबको दाखिल किया जाएगा और बिन अब्बास रदी तुम की तफसीर है कि वो दरवाजे सारे बंद होंगे और ज, जब जहनमी को लाया जाएगा तो दरवाजे खोले जाएंगे और हर एक को उसके अमल के हिसाब से जहनम में दाखिल किया जाएगा और ये जो जहन्नम के दरवाजे हैं इसके हदीसों से ये बात साबित है ये खोले भी जाते हैं ये बंद भी किए जाते हैं ये खोले भी जाते हैं ये बंद भी किए जाते हैं जैसा कि हमारे नबी असलम ने बयान किया जैसे रमज़ान आता है जो कि आ रहा है इन शह चंद दिनों के बाद तो जहनम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं फिर कोई दरवाजा खुलता नहीं है रमजान के अलावा साल भर खुले रहते हैं अल्लाह के नबी नबीलाम बयान फरमाते हैं रमबान भरमाते हैंबुलजन्न गुल्नार के जब रमबान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं इसका मतलब बंद होते हैं और इसी तरीके से एक और एक सही रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी वम ने बयान फरमायादा खान अमान सफिदत शयातीन और मरदतुल्जिनखत अबूआबुल्नारिन वबूआबुलजन्ना फलम युगलक मिनबाप इस हदीस में अल्लाह के नबीम ने खबर दी है कि जैसे ही रमज़ान की पहली शब होती है जिसमें चांद नजर आता है पहली तरावी जब पड़ी जाती है ना तो मगरिब जैसे होती है कि भाई पता चल गया कि रमज़ान आ गया है तो सलाम ने बयान भरमाया सरकश शैतानों को कैद कर दिया जाता है जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है कोई दरवाजा नहीं खुलता है फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं कोई दरवाजा बंद नहीं होता है ये दरवाजों के मुताल आया है सिलसिला जारी है आइंदा दर्श में हम बताएंगे कि इंसान अपने आप को जहन्नम से कैसे बचा सकता है अल्लाह से दुआल्ला तला मुझे और आपको तोफी दे कि हम उन अमाल से बचें उन असबाब से बचें जो असबाब या तो हमेशा के लिए हमें दो जख्म में फेंकेंगे फेक, जिन असबाब की वजह से या तो हम हमेशा के लिए दो जख्म में जाएंगे या अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए जाएंगे अल्लाह हमें महफूज रखे जन्नत में दाखिल होने वाला बना दे और अहिल जन्नत में से हमारा शुमार कर दे आमीन पाखिला रबीन और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो जिसका हम इंतजार है बेचैनी से रमजान मुबारक उसको पाने वाला